गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांतूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है ईथर, उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। तो देखिए ईथर क्या है और कितने प्रकार का होता है, इसका नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए ईथर क्या है। ईथर एक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है उसकी एक श्रेणी है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दो मुक्त संयोजकता पर एल्किन समूह जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन परमाणु है, उसकी जो दो फ्री वैलेंसी, दो मुक्त जो संयोजकता है उस पर दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हो, तो इस प्रकार बनने वाला जो कंपाउंड होता है इसे ईथर कहा जाता है, आर ओ आर। इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक जो समूह होता है उसको सिंपल इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु और उसकी दो मुक्त संयोजकता होती है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर का होता है, जिसमें इसकी दोनों मुक्त संयोजकता पर इस तरह से दो एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो एल्काइल समूह है आर आर समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इस बेस पर जो एल्काइल समूह है उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सिंपल ईथर या इसको सिमेट्रिकल सममित ईथर कहा जाता है और दूसरी अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर कहा जाता है। सर या फिर सिमेट्रिकल जो ईथर होती है उनमें यदि दोनों एल्काइल समूह समान हैं, सेम प्रकार के हैं, तो इसको हम सरल या सिंपल ईथर कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर, जिसमें ऑक्सीजन की द्वारा मुक्त संयोजकता पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। डाइएथिल ईथर C2H5OC2H5 दोनों तरफ एल्काइल समूह C2H5 एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों तरफ प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और इसमें दोनों तरफ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। यानी कि जो ऑक्सीजन की द्वारा मुक्त संयोजकता पर दोनों एल्काइल समूह सेम प्रकार के रहते हैं उसको हम सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल सममित ईथर कहा जाता है। मिक्स या अनसिमेट्रिकल जो ईथर होती है इसमें दोनों एल्काइल समूह डिफरेंट होते हैं, तो इस प्रकार की जो ईथर होती है उसको अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर कहा जाता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एथिल मेथिल ईथर है, या एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, एथिल प्रोपिल ईथर, यहाँ पर एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, एथिल फेनिल ईथर। इस प्रकार से इनमें जुड़े जो एल्किल समूह है या फिर जो भी एरिल समूह है उसकी दोनों भिन्न भिन्न प्रकार है, तो उसको हम मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि ईथर है वो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दो मुक्त संयोजकता पर दो एल्काइल समूह जुड़े होते हैं। तो मुक्त संयोजकता है इस पर दो एल्काइल समूह जुड़े होते हैं,
इसका जो सामान्य सूत्र होता है इसको आर ओ आर से दर्शाते हैं। दो प्रकार के, एक सिंपल इथर और दूसरा मिक्स इथर। सिंपल इथर या फिर सिमेट्रिकल जो इथर होता है, यदि इथर अणु में दोनों एल्किल समूह आर समान हो तो उन्हें सरल या समिध इथर कहा जाता है। जैसे डाइमेथिल इथर, डाइएथिल इथर, डाइप्रोपाइल इथर, डाइफेनिल इथर एटसेट्रा। मिक्स या अनसिमेट्रिकल जो इथर होता है, यदि दोनों एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हो उन्हें मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल इथर कहा जाएगा। जैसे एथिल मेथिल इथर है, एथिल प्रोपाइल इथर है, एथिल फेनिल इथर है आदि। इसके अलावा जो ईथर होते हैं उनको जल का द्वि एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ये जल के द्वि एल्किल व्युत्पन्न है। जल जो होता है H2O, इसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु को दो एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी क्या बनता है, ईथर बनता है। इसलिए ईथर को जल का द्वि एल्किल व्युत्पन्न डाई एल्किल डेरिवेटिव्स माना जाता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु को दो एल्काइल समूह से सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे तो क्या प्राप्त होती है, ईथर प्राप्त। इसके अलावा एल्कोहल का इससे मोनो एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ये एल्कोहल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न है, यानी जो एल्कोहल होता है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दे बनने वाला कंपाउंड ईथर कहलाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करते हैं तो ईथर बनता है, R1। ईथर के अंदर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य जो सूत्र होता है वो CnH2n+2O है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है ईथर का। ईथर क्या है, कितने प्रकार के हैं और ये जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न तथा एल्कोहल के मोनो एल्काइल व्युत्पन्न है। अब हम इसमें नेक्स्ट आगे बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो देखिए किस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। इनको सामान्यतः एल्कोक्सी एल्केन भी कहा जाता है, ईथर को सामान्यतः एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके नामकरण की, देखिए नामकरण के अंदर दो अलग अलग पद्धति, सामान्य या फिर रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति, इन दोनों के अंदर जो ईथर है उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो सामान्य कॉमन या फिर जो अराइवल सिस्टम है, कॉमन या फिर ड्राइवर सिस्टम है, उसके अंदर ईथर का जब नामकरण करते हैं तो दो अलग अलग जो एल्काइल समूह है पहले उनका नाम लिखा जाता है, उसके बाद में फिर ईथर वर्ड लिखा जाता है। तो जो एल्काइल समूह अगर डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसका एल्काइल समूह का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे एल्काइल समूह का नाम और फिर ईथर वर्ड लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन या फिर ट्राइवल सिस्टम के अंदर जैसे CH3O C2H5
तो यहाँ पर एक मैथिल समूह है, एक एथिल समूह है। अब मैथिल में अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले एम आता है और एथिल के अंदर ई आता है, तो पहले ई एथिल समूह का नाम लिखा जाएगा एथिल, उसके बाद फिर मैथिल, और उसके बाद में फिर सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में ईथर वर्ड लिखते हैं, एथिल मैथिल ईथर। इसी प्रकार आप देखे हो यहाँ पर एक एथिल समूह है और दूसरा आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले एथिल समूह का नाम आएगा एथिल, आइसोप्रोपिल, उसके बाद में फिर क्या वर्ड लिखा जाएगा ईथर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एक एथिल समूह है, एक प्रोपिल है, तो पहले एथिल, एथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा। तो कॉमन या ट्रेवल सिस्टम, सामान्य या फिर रूट पद्धति के अंदर ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़े एल्किल ग्रुप यानी जो एल्किल समूह है उनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखकर पहले लिखकर ईथर यानी अनुलग्न के रूप में जोड़ दिया जाता है। यदि कोई प्रतिस्पर्धी समूह जुड़ा हुआ है इनके साथ में तो ऑक्सीजन परमाणु की एक ओर हम अल्फा बीटा गामा तथा दूसरी ओर अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश ग्रीक वर्ड लिखे जाते हैं। यदि ईथर के अंदर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा मैंने सीएल परमाणु जुड़ा हुआ है जो कि एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है प्रतिस्थापी है, तो ऑक्सीजन की एक तरफ हम अल्फा बीटा गामा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी तरफ अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्काइल समूह पहले उसका नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा पर सीएल है, एक अल्फा डैश पर सीएल है, तो अल्फा अल्फा डैश दोनों उपयोगी है, तो डाइक्लोरो डाइएथिल क्या हो जाएगा ईथर। इस अल्फा पर भी सीएल है, दूसरे अल्फा पर भी सीएल है, तो अल्फा अल्फा डैश दोनों क्लोरीन है, तो डाइक्लोरो एथिल समूह जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, तो डाइएथिल ईथर। इस प्रकार से हम सामान्य या फिर रूट पद्धति के अंदर ईथर का नामकरण करते हैं। अब मेन बात आती है अपने आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर, तो आईयूपीएसी पद्धति के अंदर जब ईथर का नामकरण किया जाता है तो इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो हमेशा छोटे एल्किल समूह के साथ में रखा जाता है और बड़ा जो अल्काइल समूह है उसका सामान्यतः नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी पद्धति के अंदर जो एल्किल समूह के अंत में इल वर्ड होता है उसको हटा करके उसकी जगह क्या लिखा जाता है ऑक्सी, ओ एक्स वाई ऑक्सी, और अधिक कार्बन वाले एल्किल समूह की कार्बन संख्या के संगत एल्केन का नाम एक साथ दोनों ओर जोड़ करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पर सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव, छोटा जो एल्किल समूह है वो सी एस थ्री ओ है तो यहाँ पर इसको मैथोक्सी एल्किल समूह मैथिल समूह है, यहाँ पर जैसे सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव, यहाँ पर एक तरफ मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है। एथिल के अंदर दो कार्बन है और इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, इस ऑक्सीजन को इस मैथिल समूह के साथ में लिखा जाएगा, तो मैथिल से क्या हो जाएगा मैथोक्सी मैथिल का एक जो वर्ड है उसको हटा करके उसकी जगह हम क्या वर्ड लिखा जाता है ऑक्सी लिखा जाता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ मैथोक्सी सी टू एच फाइव है तो इसको क्या लिखेंगे अब एथेन मैथोक्सी, या देखिए सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव को मैथोक्सी एथेन लिखा जाएगा, सी टू एच फाइव ओ सी एच थ्री एच सेवन है, तो यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन के दो कार्बन है एक तरफ तीन कार्बन है, इस ऑक्सीजन को इस एथिल समूह के साथ में एथॉक्सी तीन कार्बन है तो संगत एल्केन प्रोपेन हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। इसी प्रकार से इधर दो कार्बन है इधर छह कार्बन फेनिल समूह जुड़ा हुआ है तो एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ सी सिक्स एच फाइव है, एक जो सी सिक्स एच फाइव है उसको प्रतिस्थापित रूप में फिनॉक्सी समूह लिखा जाएगा और दूसरे को बेंजीन से लिखेंगे तो यहाँ पर फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर जब ईथर का नामकरण किया जाता है तो
ऑक्सीजन परमाणु को जो कम कार्बन युक्त एल्केन है उसके साथ में एल्कोक्सी, और जो संगत दूसरा एल्किल समूह है उसका नाम सिंपल एल्केन का लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम आईपीएससी पद्धति के अंदर जो ईथर होते हैं उसका नामकरण करते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो उसके लिए सामान्य या फिर रूट पद्धति में और आईपीएससी में दोनों के अंदर उसका नामकरण समान रहता है। तो देखिए नेक्स्ट जो एरिल ईथर है, एरिल ईथर के अंदर एराइल ईथर के नामकरण में रूट पद्धति तथा आईयूपीएसी पद्धति में समान नामकरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल OCS बेंजीन रिंग है, फेनिल समूह है, OCS3 समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोल कहा जाता है। यदि OC2H5 समूह जुड़ा हुआ है C6H5 OC2H5 तो इसको हेनिटोल कहा जाता है। इस प्रकार से एनिसोल है, फेनिटोल है, ये इनका आईपीएससी और रूट पद्धति के अंदर जो एराइल ईथर है उसका नामकरण हमेशा समान रहता है। इसके अलावा यदि दो क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उस समय हमेशा जो वरीयता क्रम के अनुसार पहले फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद में दूसरा जो ईथर है उसको प्राथमिकता देते हैं। तो वरीयता क्रम के अंदर ईथर को हम प्रतिस्थापित समूह के रूप में माना जाता है। यदि ईथर में अन्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वरीयता क्रम के अनुसार ईथर को प्रतिस्थापी समूह के रूप में माना जाता है। जैसे CH3, CHO, CH3, CH2, COOH। यहां आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड COH है और दूसरा ईथर है। तो वरीयता क्रम के अनुसार पहले जो फंक्शनल ग्रुप COH है उसको प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद में ईथर। मुख्य जो क्रियात्मक समूह है COH को और दूसरा जो क्रियात्मक समूह अपना ईथर है इसको आप प्रतिस्थापित समूह के रूप में लिखा जाए। यहाँ पर इसका जब आईपीएससी नामकरण करेंगे तो 3-methoxy 1
ब्यूटानोइक एसिड। इस प्रकार से अगर ईथर के अंदर दो या उससे ज्यादा प्रतिस्थापी सॉरी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो पहले उसको वरीयता क्रम के अनुसार लेकर के जो ईथर होगा उसको एज प्रतिस्थापी समूह के रूप में माना जाएगा, तो उसको इस तरह से उसका नामकरण करेंगे 3-methoxy-1-butanoic एसिड। ये था ईथर का नामकरण जिसमें सामान्य पद्धति के अंदर और IUPAC पद्धति के अंदर किस तरह से लिखा जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसको बनाने की विधि। तो ईथर है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा इसका हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।